ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट आए हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिल्ली दौरे पर पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि संघीय ढांचा के तहत दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो हमारा सम्मान करें और मैं उनका सम्मान करूं, यह एक परंपरा है। बता दें कि दिल्ली में हेमंत सोरेन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात कर रांची वापस लौट आए हैं। खबर, यात्रा की जानकारी, यात्रा का लाइव आप सब लोगों ने देखा और क्या? नहीं, पीएम से कुछ बातचीत हुई झारखंड के संदर्भ में? बातचीत क्या, यही देखिए संघीय ढांचा की व्यवस्था है, देश का सरकार वो चला रहे हैं, राज्य सरकार हम चला रहे हैं, सम्मान करें हम। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। खूंटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बूथों में बेहतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके हौसले अफजाई किए। तोरपा में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर हाल में तोरपा और खूंटी विधानसभा में बीजेपी का झंडा लहराएगा। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साथ ही कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को सत्ता से हटाना है। अरे भाई, कहा दिया आपने 72,000 रुपीज, मैं हर साल लोगों का बैंक अकाउंट में दूंगा। कहा दिया 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। कहा दिया, फिर भी बोलते हैं कि नहीं नहीं हेमंत सोरेन जी का साथ अन्याय हो गया। अरे भाई, आप गलती कर रहा है, हेमंत सोरेन का साथ कितना अन्याय हुआ, लेकिन झारखंड का युवाओं का साथ कितना अन्याय हुआ, उसका गंती कौन करेगा, यह भी तो हमें बता दीजिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। पार्टी प्रदेश प्रभारी के साथ चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी राज्य दौरे पर हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा अपने राज्य को बाढ़ में डूबता छोड़कर झारखंड आकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ असम की जनता पानी में डूबकर मर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इतनी घटिया बातें करे तो मैं नहीं समझता कि उस बात पर कोई तवज्जो देने की जरूरत है। घटिया इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिनके राज्य में बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, पूरे राज्य में एक तनाव का माहौल है और वो यहां करके प्रवचन कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इनकी बातों को न जनता गंभीरता से लेती है। मैं तो चाहता हूं कि इसी तरह की ये बात करते रहें, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तोड़ने के लिए जितना प्रयास हो वो जरूर करें, तभी जा करके जो अभी झटका लगा है और तगड़े से झटका लगेगा, जिस तरह से इन लोगों ने लगातार समाज के सभी वर्गों को अपमानित करने का ठेका ले रखा है, आने वाले समय में चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने ताबड़तोड़ रांची दौरे पर जेएमएम ने हमला बोला। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को मिली करारी शिकस्त से कहा कि ये लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, इन नेताओं को रिचार्ज करने की जरूरत है, इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता और इस देश के गृहमंत्री वो भी रांची आ रहे हैं। भाजपा नेताओं से जो सूचना प्राप्त हुई संवाद माध्यमों से कि वो टिप्स देंगे, अब टिप्स का काम नहीं चलेगा,
अनतिक्रम चलेगा। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है, कार्यकर्ताओं के जोश बढ़ाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही बीजेपी पर हमलावर हैं। और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी बड़ा चेहरा आ जाए झारखंड दौरे पर, कोई भी बड़े नेता आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जनता ने नकार दिया, विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। हाँ बिल्कुल रश्मि, देखिए झारखंड बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, खास करके केंद्रीय नेताओं का दौरा जो है वो झारखंड में देखा जा रहा है। अगर बात की जाए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कल झारखंड में थे, यानी कि राजधानी रांची में वर्तमान में भी हैं, वहीं तीनों प्रभारी आज झारखंड में होंगे। एक का जो कार्यक्रम है वो रांची विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित है, एक बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में वो शामिल होंगे, विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए दूसरी तरफ हटिया विधानसभा क्षेत्र में भी जो चुनाव के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनका भी कार्यक्रम तय है। वहीं जमशेदपुर में जो झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उनका कार्यक्रम निर्धारित है। तो ऐसे में ताबड़तोड़ एक कार्यक्रम होना, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी जमीन को मजबूत कर ही रही है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का कार्य कर रही है, ताकि जो विधानसभा के चुनाव हो उसमें दो तिहाई बहुमत के साथ कैसे जीत करके एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाई जा सके, यानी कि डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके। देखिए केंद्र और राज्य में जब एनडीए की सरकार होगी तो विकास की गाड़ी जो है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी, यह भाजपाइयों का कहना है। हालांकि दूसरी ओर विपक्षी जो है वो नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे पर सवाल उठा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों से ये नेता कहां थे, उन्होंने एक बार झारखंड की सूध लेने क्यों नहीं आई कि जनता के बीच क्या समस्याएं बनी हुई हैं। जब लोकसभा चुनाव हुए तब अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो झारखंड में देखा गया, अब विधानसभा के चुनाव है तब सभी जो केंद्रीय नेता है वो यहां पर दिखेंगे, यहां तक कि प्रधानमंत्री का भी दौरा होगा आने वाले दिनों में। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि जनता की सूद आपको बीच में ही लेना चाहिए था। हालांकि देखिए भाजपा के कार्यकर्ता हूं, नेता हूं, ये कह रहे हैं कि 365 दिन हम तैयारी में रहते हैं, 365 दिन हम जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, अपराध और ये सभी कई मुद्दे हैं जिसे लेकर कि ये जनता के बीच जाने वाले हैं, खास करके सरकार के मैनिफेस्टो को एक बार फिर से जनता के बीच याद दिलाने का कार्य करने वाले हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी जमीन को कितना मजबूत कर पाती है। जी बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।